बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो एक नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और ये मैं फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ है। तो मैं चाह रहा था कि क्यों ना बच्चों के लिए आसानी हो, एक बेहतरीन मेथड के साथ और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ मैं वीडियोस बनाऊं, जिसमें एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए गए हैं और बच्चे उसे देख के सीखें। तो इस सीरीज़ का मकसद है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को मैथ सिखाना। मैथ एक अहम और आसान सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी ले लेते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा मैं और कोशिश करूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स को मुझसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं ख़ुद भी एक तालिबे इल्म हूँ जो सीखता रहता हूँ टीचर से, बच्चों से। तो कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को अच्छे से सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमने डिग्री के क्वेश्चंस को रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री इक्वल जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम डिग्री के क्वेश्चन को पाई ओवर 180 डिग्री से। तो क्योंकि पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन एक फार्मूला है डिग्री को रेडियन में चेंज करने का। तो यहाँ पे 30 डिग्री पहला क्वेश्चन है और उससे पहला क्वेश्चन तो 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से तो वो 0 रेडियन ही होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो 45 है, 60 है, 75 है। तो मैं पहला क्वेश्चन 30 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ। 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 पाई ओवर 180, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 3 वाला टेबल 18 तक पढ़ लेंगे तो 3 6 18। तो इस तरह हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री डॉट या मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। तो अब यहाँ पे हम 45 को, अगर 45 का ही टेबल डायरेक्ट ले लें तो 45 और 45 90 और 90 180, यानी 45 फॉर द 180। तो हम 45 को कैंसिल कर देंगे 180 के साथ और 4 का टेबल लेकर, तो पाई बाय 4 रेडियन इसका आंसर आएगा। और इस तरह 60 डिग्री है और 60 डिग्री पाई बाय 180, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो पाई बाय 3 रेडियन आएगा इसका आंसर। और उम्मीद है कि ये बाकी क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, तो आप इसको भी हल कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्योंकि डिग्री के साथ वहाँ पे मिनट का भी इजाफा है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमारे पास डिग्री हो और साथ मिनट हो, तो सबसे पहले पहले हमने मिनट को डिग्री के ऊपर डिवाइड करना है, क्योंकि एक मिनट में 60 डिग्री होते हैं। तो 15/60 हमने इसको प्लस कर देना है, 10 + 15/16, तो इसका डिवाइड करेंगे 15 × 15, 4 के ऊपर तो 1/4 आएगा। तो 10 + 1/4, फिर इसका एलसीएम लेंगे 4। और साफ जाहिर है अगर 1 का, क्योंकि बाई 10 का बाई 1 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 10 = 40 प्लस, क्योंकि 4 सेम है इसलिए 1 का 1 आएगा। तो 40 और प्लस 1 41/4, तो 41/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन से, तो 41 डिवाइड नहीं होता 81 पे, इसलिए 41 पाई ओवर 180 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो वो हो जाएगा 720। तो 41 पाई ओवर 720 रेडियन इसका आंसर आएगा। सेम इसी तरीके के साथ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 35 डिग्री और 20 मिनट, तो 35 + 20/60, मैंने कहा था एक मिनट में 60 डिग्री होते हैं, तो 20/60। अब 21 × 20 और 23/60, तो ये कट गया, तो 35 + 1/3। अब इसका अगेन एलसीएम लेंगे, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 35 का बाय 1 है और हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है नीचे जो है ना इसका सेम करने के लिए बटे। तो वो हो गया 135 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 105 हो गया, और प्लस आगे बाई 3 है तो 1 का 1 ही आएगा।
तो ये 105 और 1 जो है 106 बाई 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो क्योंकि हमारे पास 106 है, 2 के टेबल पे ये डिवाइड होता है 180 के साथ, तो 53 डिवाइडेड बाई 90, ये पाई बाई 180 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर और 106 को भी 2 के ऊपर। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 53 और इधर से 3 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये 270 इसका आंसर है, 53 पाई ओवर 270 रेडियन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि 3 पर मुश्तमिल है, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब सेकंड में क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 60 होगा जो कि 3600 यहाँ पे आया हुआ है। तो 75 प्लस 6 ओवर 60 प्लस 30 ओवर 3600, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेकंड में 3600 डिग्री यानी जो होते हैं, तो इसलिए ये 3600 पे डिवाइड होगा। तो 30 को अगर 3600 पे डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, 1/20 बचेगा, और 6/60 को करें तो 6 × 6 = 60, 1/10 आया। तो 75 प्लस 1/10 प्लस 1/20। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, और 75 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9000 आएगा, प्लस साफ ज़ाहिर है सेकेंड बटे हमारे पास 10 है, तो 10 को हमने 120 के इक्वल करना है, तो 12 का टेबल आएगा, 12 × 12, और फिर इस तरह लास्ट में क्योंकि 120 है तो इसलिए 1 का 1 ही आएगा, तो ये 913/120। तो अब ये हमारे पास डिग्री आ गया है, तो डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 रेडियन, तो 913 पाई ओवर 120 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600 रेडियन आ जाएगा। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, आगे दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, और आगे ओनली 14वां क्वेश्चन जो है वो इसके सेकंड्स के ऊपर है, तो 3/3600 सेकंड। तो अगर हम एक को डिवाइड करेंगे तो 1/1200 सेकंड आएगा, क्योंकि 12 × 3 = 36। तो 1/1200 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन, तो हम पाई बाई द पाई और 1200 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216000 रेडियन। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चंस मुख्तलिफ दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पाई ओवर 8 रेडियन है, तो हम जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते थे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम उसका उलट करेंगे। तो हम रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 ओवर पाई से करेंगे, तो पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई डिग्री। तो यहाँ पे हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और 8 को डिवाइड कर देंगे 180 के ऊपर, जो कहते हैं 22.5 डिग्री। तो 20 हम जब 22.5 पे आएंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर डिग्री का एक बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये 22° 30 सेकंड इसका आंसर निकल आएगा। सेम इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 2π/3। आपके सामने तमाम सॉल्व हैं, आप इसको हल करें, अगर कहीं पर मुश्किल है तो कमेंट्स की सूरत में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ख़ुद सॉल्व करके आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो 2π/3 रेडियन हमारे पास है, तो हम इसको पाई ओवर 80 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 × 180 तो डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा, डायरेक्ट 120 डिग्री ही आएगा। सेम इस तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट्स की सूरत में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो आज मैंने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके आपको बताया है, इंशाल्लाह कल अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।